चलिए भी स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल? 25 5 अरे 5 कौन बोल रहा है? 27 हो गए ना क्वेश्चंस। 5 किसने बोला पहले बताओ। अरे मैंने वो होमवर्क क्वेश्चंस नहीं ऐड करे थे। अरे तो होमवर्क क्वेश्चंस भी ऐड कर लो, फिर भी 5 तो बहुत ही कम। 25 बोला था। 25 आज 25 बोला था, मैं कह रहा 5 क्वेश्चंस तो यार 25 ही तो बोला था। अच्छा मुझे लगा 5 कह रहे हो। अब बताओ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सारे ऐड करने के बाद जल्दी जल्दी 27 लिखो भाई। कैलकुलेट कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? दैट इज एनएनपी एट एफसी, ठीक है ना? एफसी, वेरी गुड। बाय बाय इनकम मेथड, इनकम मेथड, ठीक है, एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। यानी दोनों मेथड से हमें कैलकुलेट करनी है, ध्यान रखना, ठीक है? इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी, ठीक है? लिखो भाई फर्स्ट आइटम, लिखो फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? दे रखा हमें 10। उसके बाद लिखना COE, व्हाट इज COE? व्हाट इज COE? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेरी वेरी गुड। ये दे रखा है हमें 150। उसके बाद लिखो NDCF, व्हाट इज NDCF? जल्दी बताओ। हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन। ये फिक्स नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद लिखो PFCE, व्हाट इज PFCE? दैट इज प्राइवेट, वेरी वेरी गुड। उसके बाद लिखते हैं हम फीटा, व्हाट इज फीटा? ये था हमारा फीफा, वेरी गुड। और ऊपर हमें फीफा भी दे रखा है, ठीक है? ये हमें कितना दे रखा है? ये 15 दे रखा है, 15, ठीक है? उसके बाद लिखो चेंज इन स्टॉक, उसके बाद लिखो चेंज, चेंज इन स्टॉक, लिखो चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है 15, 15। उसके बाद लिखो एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस 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 सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो ही अपना माइक ऑफ करो। 10, ठीक है? उसके बाद लिखो जल्दी से कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, वेरी वेरी गुड। 15, ठीक है? उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 40। उसके बाद लिखो एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स दे रखा है 20। उसके बाद लिखो इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स हमें दे रखा है 25, ठीक है? उसके बाद लिखो आईटी, व्हाट इज आईटी? वेरी गुड। 13 पे आओ, लिखो सब्सिडीज, सब्सिडीज, सब्सिडीज दे रखी है 10। उसके बाद लिखो रेंट, रेंट, रेंट हमें कितना दे रखा है? 40। रेंट है हमारा 40। उसके बाद लिखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, GFCE 85। और लास्ट आइटम जो है वो है हमारा प्रॉफिट,
प्रॉफिट, ठीक है, लिखो ये दे रखा है हमें 100। चलो भाई जल्दी स्टार्ट हो जाओ, आंसर बताओ। अच्छा कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है गलत है, कैसे पता चलेगा? दोनों मेथड से मैच होना चाहिए, दोनों का आंसर। वेरी वेरी गुड, चाहे इनकम से निकालो चाहे एक्सपेंडिचर से, आंसर क्या करना चाहिए, टैली करना चाहिए। समझ में आ रही बात? चलो जल्दी। हाँ भाई कितना आंसर आ रहा है आर्यन? अरे जल्दी करो आकृति बेटा, मैं थोड़ा ऊपर कर लूं। लिखते नहीं हो क्या? कल तक बता दोगे आंसर मुझे? इतना टाइम नहीं लगता है, क्लास के अंदर दो ही क्वेश्चन करने हैं क्या हमें? बोलो बेटा बोलो। कुछ बता तो रहे हैं ये लोग, देखें जरा क्या बता रहे हैं। यार महक आप दोनों से बता रहे हो वो आंसर आ रहा है, बट इसमें आंसर दे नहीं रखा, वो आपका आंसर गलत है। हैदर का आंसर दोनों से सेम आ रहा है बट गलत है, और महक और हैदर दोनों आंसर गलत है। अच्छा मिष्टी का आंसर दोनों से सेम आ रहा है। देखो मैंने यही तो बोला आप लोगों से, आप इतने टैलेंटेड हो कि आप लोग गलत निकालने के बाद भी मैच करा देते हो, बट बच्चों का बहुत जगह यार सेम सा आ रहा है ये। रिद्धि का भी सेम आंसर आ रहा है, वही बुक में अलग दे रखा है भाई। बुक में गलत होगा। हाँ पॉसिबिलिटी है, देखो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चेक कर लेंगे वो तो। और बच्चे बताएं जरा, देखें किसी का आंसर आ रहा है ठीक। मेरे को भी आंसर बताया महक, हैदर, मिष्टी ने और रिद्धि ने। अनुराधा, अनुराधा ने कौन सा आंसर बोला? ये अनुराधा बेटा आंसर ये नहीं है जो आप बोल रहे हो। मिश्का का आंसर भी समझ नहीं आ रहा मुझे, चलो मैं ही कराता हूँ, देखते हैं। हाँ भाई सबसे पहले कौन सा मेथड करें? एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो भी मेथड से आप करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको लिखना पड़ेगा आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड, तो ऊपर लिख दिया मैंने। फिर लगाओ इज इक्वल्स टू का साइन, देखो यहाँ पे मैंने इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड की पहली आइटम क्या होती है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक एक करके बताना मुझे, बताओ भाई कितना दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? 220 220 वेरी गुड। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 85 वेरी वेरी गुड। उसके बाद नेट दे रखा है या ग्रॉस दे रखा है, जल्दी बताओ? नेट दे रखा है, नेट है, कितना है? 50? ठीक है, वेरी वेरी गुड। क्या ये फिक्स्ड है? हाँ या ना, जल्दी बताओ फिक्स्ड है? नहीं। वेरी गुड, अगर अगर फिक्स्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करेंगे, समझ में आ गया? वेरी वेरी गुड। अब सीधा लास्ट में जो नेट एक्सपोर्ट्स पे, नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। चलो भाई एक्सपोर्ट्स बताओ कितना है? एक्सपोर्ट्स दे रखे है 20। वेरी गुड, 20 माइनस 25, 20 माइनस 25, ठीक है भाई, लो कर लिया हमने। चलो भाई ऐड करो सारी वैल्यू, और ठीक से ऐड करना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। बताओ कितना आ रहा है? 350। वेरी वेरी गुड, कितना आ रहा है? 350। अब ये 350 क्या निकल के आया बेटा? ये 350 निकल के आया हमारा एन डी एटम,
वेरी वेरी गुड। एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा मार्केट प्राइस पे ही पहुंचते हैं। खर्चा कहाँ करते हैं? खर्चा हम करते हैं मार्केट में, है ना। तो हमेशा जब भी एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे तो यहाँ पे एमपी आएगा, ये मार्केट प्राइस पे निकलती है वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर हमेशा मार्केट में करते हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बताता रहूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या हमें ये निकालना है? ना, हमें तो बेटा नेशनल इनकम निकालना है। अब नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज एन एन पी एट एफ सी। बोलो बेटा बोलो, एन से एन पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। कुछ भी नहीं। वेरी गुड बेटा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर जी से एन पे जाते तो माइनस डेप्रिसिएशन करते। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा? वेरी वेरी गुड, हमें करना पड़ेगा प्लस एन एफ आई ए, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्लस एन एफ आई ए। अब एन एफ आई ए कैसे निकलता है? एन एफ आई ए निकलता है बेटा फीफा माइनस, बोलो भाई जल्दी से, फीफा माइनस फीटा। वेरी 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 गुड। मुझे बताओ फीफा कितना दे रखा है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है? 10। और फीटा कितना दे रखा है? 15। तो 10 माइनस 15 ये हमारा कितना आ जाएगा? ये माइनस का 5 आ जाएगा, है ना। तो इस माइनस के 5 को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब मुझे बताओ प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 345। उसके बाद एमपी से कहाँ जाना है हमें? एफसी पे तो जाना है। तो क्या करते हैं? माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। चलो माइनस आईटी करते हैं। बताओ भाई आईटी कितना है? जल्दी 30। और सब्सिडीज कितना है? जल्दी से बताओ। प्लस सब्सिडी 10। वेरी वेरी गुड, सब्सिडीज कितना है हमारा? 10, ठीक है भाई, सब्सिडीज हमारा 10। तो ये आ गया, इसमें से 20 माइनस कर दो तो हमारा आ गया 325। और यही बच्चों का आंसर आ रहा है, तो यही करेक्ट आंसर है। इन्होंने दे रखा है 340, ठीक है ना, बुक में इन्होंने दे रखा है 340, जो कि गलत है, ठीक है भाई। आओ जरा अब इनकम मेथड पे आ जाओ, टैली करते हैं जरा इसको। बताओ भाई इनकम मेथड की फर्स्ट आइटम क्या है? जल्दी बताओ मुझे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। वेरी वेरी गुड, सीओई क्या दे रखा है हमें सीओई क्वेश्चन के अंदर? 150। वेरी गुड, ये हमारा सीओई हो गया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है या उसके आइटम्स दे रखे हैं? आइटम्स दे रखे हैं, उसके आइटम्स। रेंट बताओ, रेंट करेक्ट 40। इंटरेस्ट कितना दे रखा है? इंटरेस्ट 40। वेरी गुड, रॉयल्टी दे रखी है क्या? नहीं। प्रॉफिट दे रखा है 100, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। अब लास्ट आइटम क्या है हमारी? मिक्स्ड इनकम, है ना, मिक्स्ड इनकम दे रखी है? नहीं दे रखी। तो जीरो मान लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो ऐड करो, सारी वैल्यूज ऐड करो जल्दी से। चलो 330। ये क्या निकल के आया? हमेशा ध्यान रखना इनकम मेथड से हम हमेशा पहुंचते हैं एनडीपीएफसी। इनकम कहाँ जनरेट होती है? इनकम जनरेट होती है फैक्ट्री में। समझ में आ गई बात? ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो हमेशा इनकम मेथड से हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचते हैं। अब मैं कह रहा हूँ हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बेटा एनएनपीएफसी नेशनल इनकम, तो मैं उसके नीचे लिखूंगा बिल्कुल, है ना। अब सिर्फ क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा, है ना। प्लस एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना। अभी ऊपर हमने निकाला था हमारा एन एफ आई ए कितना आया था? माइनस का 5। माइनस का 5 आया था ना, कितना आ गया जरा मुझे बताओ? 325। क्या हमारा टैली कर रहा है आंसर इजीली, है ना, कोई प्रॉब्लम की बात है ना। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। बुक वाले भी टैलेंटेड है, निकाल के बिल्कुल पहली करा रखा है 340, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात? नोट डाउन कर लिया सबने ये? आगे चलें। तो इन क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकती है बुक्स के अंदर, ठीक है। बस अपने मेथड पे रहो, आपका जो अपना मेथड प्रूवन मेथड है उसके ऊपर रहना है, उससे डेविएट नहीं करना आपको। बात हो गई खत्म। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, लिखो अगेन। कैलकुलेट
कैलकुलेट एनएनपीएटएफसी दोनों मेथड से बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों मेथड से कैलकुलेट करनी है. ठीक है, लिखो भाई फर्स्ट आइटम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000. वैल्यूज दे रखी है आपकी रुपीज में, करोड़ में. ठीक है, उसके बाद लिखो वेजेस एंड सैलरीज. वेजेस एंड सैलरीज ये कौन से मेथड की आइटम है? वेजेस एंड सैलरीज इनकम, इनकम मेथड. किसका पार्ट होता है ये? कंपोजिशन ऑफ अकाउंट्स. वेरी गुड, ध्यान रखना सीओई का. उसके बाद थर्ड आइटम पे आओ, लिखो डिविडेंड. डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड हमें दे रखा है 500. उसके बाद लिखो रेंट. रेंट, रेंट हमें दे रखा है बेटा 200. ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पे आओ, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 150. ठीक, उसके बाद लिखो एनडीसीएफ. क्या होता है एनडीसीएफ, जल्दी बोलो. नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. वेरी गुड, क्या ये फिक्स्ड है? नहीं, फिक्स्ड नहीं है तो क्या ऐड नहीं करेंगे? चेंजेस स्टॉक. वेरी वेरी गुड, बस ऐसे धीरे धीरे करके हमें सारी चीजें याद हो जाती हैं. बट आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहना क्लास के अंदर, बाकी सारी हेडेक मेरी है. अगर आप कंसिस्टेंसी से मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, चाहे घर पे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो बात अलग है, क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना, फिर आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इकोनॉमिक्स की. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस एस एस. वॉट इज एस एस एस? सोशल सिक्योरिटी स्कीम. वेरी गुड, कौन सा वाला ऐड करते हैं कौन सा वाला नहीं करते SSS में? एम्प्लॉयर वाला करते हैं, एम्प्लॉय वाला नहीं करते. वेरी वेरी गुड, एम्प्लॉयर वाला करते हैं, एम्प्लॉय वाला नहीं करते. नेट एक्सपोर्ट्स लिखो. नेट एक्सपोर्ट्स -50. नेट एक्सपोर्ट्स जनरली माइनस में गिवन होता है, क्यों? क्योंकि हम इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करता, इम्पोर्ट ज्यादा करता है. एक्सपोर्ट करो तो पॉजिटिव में होती वैल्यू. ठीक है, उसके बाद लिखो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30. उसके बाद लिखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40. ठीक है, उसके बाद लिखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, 4000. और लास्ट आइटम लिखो बेटा, लिखो 13, दैट इज एन आई टी 300. ठीक है, हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है आदित्य? अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है निकालने में. अनुभव, आयुष, देव त्यागी, गौरव, हैदर, चलो आज तो शिल्पी भी आई है. शिल्पी बेटा थोड़ा रेगुलर रहो. जिया का आंसर भी करेक्ट था लास्ट वाला. महक आपने ये, अच्छा इनकम से बताया है, करेक्ट सा लग रहा है, टैली करवाओ तब मानेंगे. आकृति का आंसर थोड़ा रॉन्ग था पहले वाले में, भूमिका जिया का ठीक था, देव का ठीक था, मिश्का का 315 गलत था, रिद्धि का ठीक था, मिष्टी का ठीक था, हैदर का ठीक था. महक बेटा आपने 355 निकाला था, बताओ. अनुराधा बताओ 475 निकाल रहे थे. अनुराधा बेटा कौन से मेथड से निकाला ये?
हैदर का दोनों मेथड से करेक्ट है। ठीक है अनुराधा बेटा, ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे, ठीक टैली कराओ तो मैं फिर इसको फाइनल करूं। गौरव चौधरी का आंसर भी मेरे को करेक्ट सही लग रहा है, ये जिया का आंसर भी करेक्ट लग रहा है। आकृति बेटा, जिस दिन आंसर ठीक निकाला उस दिन मिठाई बांटूंगा मैं। रॉन्ग आंसर आकृति। जूही, जूही का आंसर करेक्ट है, क्या बात है। सिद्धि का आंसर रॉन्ग। आर्यन का आंसर करेक्ट, वेरी गुड। रिद्धि का आंसर करेक्ट। आदित्य का आंसर वेरी 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 रॉन्ग। कुणाल गौतम करेक्ट। मिश्का का आंसर करेक्ट। देव त्यागी आंसर करेक्ट। मिष्टी के दोनों मेथड से आंसर करेक्ट, क्या बात है। अनुराधा का आंसर करेक्ट, एक्सपेंडिचर से अनुराधा, ये दोनों से आगे। रिद्धि का भी आंसर हाँ। आकृति बेटा, कहाँ मिस्टेक हुई? सर देख रही हूँ। ठीक है, विशाखा का आंसर करेक्ट। हाँ भाई, पहले कौन सा मेथड कराया जाए? अरे अब तो मैंने लिख दिया बेटा, सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, इनकम मेथड में फर्स्ट आइटम क्या होती है ये बता दो मुझे पहले। COE। बट देखो चेक करो, दे रखा है नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो हम उसके आइटम्स लेंगे। अच्छा वेजेस एंड सैलरीज दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3800 है ना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है हमें? 200 दे रखा है। 200। वेरी गुड, तो इनको ऐड कर लो, ये हमारा COE हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर हम बात करें, बताओ भाई ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो डायरेक्टली दे रखा है क्या ऑपरेटिंग सरप्लस? जल्दी जल्दी बताना मुझे। रेंट बताओ कितना है? 200। वेरी गुड। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 150। वेरी गुड। रॉयल्टी है? नहीं दे रखी। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 800। 800। चलो ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम बताओ? नहीं दे रखी। ठीक है जीरो। अब देखो जनरली आप देख रहे हो ना कि मिक्स्ड इनकम मेरे को दी नहीं होती है ना, जनरली आप क्वेश्चंस में नोटिस कर रहे हो, तो बच्चों की हैबिट आ जाती है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये COE और OS ऐड करते हैं और आगे चलने लगते हैं। आप मेरे को नोटिस करना, मैं हमेशा पूछता हूँ आपसे मिक्स्ड इनकम के बारे में और नहीं होती है, जीरो लिख के चलता हूँ। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में डाल देते हैं मिक्स्ड इनकम और हमारे माइंड में क्या होता है कि मिक्स्ड इनकम नहीं दी होगी, तो भूलना मत, अपने पूरे फॉर्मूले पे रहा करो, सारी चीजें चेक करते हो चला करो, चाहे गलती ना हो। चलो भाई ऐड करो सारी वैल्यूज, कितना आ रहा है? 5150। अरे कभी समझ नहीं आया, एक बोलो। 5150। 5150। आकृति बेटा ये क्या निकल के आया? मेथड देख लेना कौन सा है। NTPFC। वेरी वेरी गुड, ये निकल के आया हमारा NDP@FC। बट हमें क्या निकालना है आकृति? आकृति क्या निकालना है? NNP@FC। वेरी गुड, माइक ऑन रखना बस अपना। बताओ आकृति हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस NFI। वेरी गुड, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFI है। बताओ NFI चेक करो, दे रखा है? दे तो रखा था, मैंने कहीं देखा था। हाँ, हाँ, दे रखा है। दे रखा है। बताओ -30। वेरी गुड, ये लिखा मैंने -30, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये कितना आएगा? 5120। 20 करेक्ट है। अब हमें चेक करना है हाँ। इनकम मेथड ठीक करा था आपने, इतना ठीक करा था? नहीं, मैंने सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड करा था, अभी इनकम मेथड कर रही थी। अच्छा इनकम मेथड समझ में आ गया ये? हाँ। ठीक है, अब हमारे एक्सपेंडिचर मेथड पे चलो, एक्सपेंडिचर मेथड भी देख के खत्म करें। एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट आइटम वही प्राइवेट फाइनेंस। मैं कुछ नया मैंने दिया नहीं है, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी, कुछ भी नया थोड़ी दिया है मैंने। ठीक है बताओ भाई, अभी तो एक मेथड और रह रहा है, मैं सोच रहा हूँ पहले इसकी प्रैक्टिस हो जाए, सबको सबके आंसर आने लगे, फिर मैं एक मेथड और इंट्रोड्यूस कराऊँ, फिर मैं तीनों मेथड से कैलकुलेट कराऊंगा। बताओ भाई पहले PFCE दे रखा है क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जल्दी बताना कितना? 4000। वेरी गुड, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल दे रखा है हाँ, कितना? 1000।
वेरी गुड. उसके बाद चेक करो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है. हाँ कितना? नहीं हाँ दे रखा है 500. करेक्ट. क्या ये फिक्स्ड है? नहीं तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा क्या? नहीं करेक्ट. फिर क्या ऐड करूँ लास्ट में? नेट एक्सपोर्ट्स माइनस 50. हाँ ठीक है, माइनस 50. चलो ऐड करो सारी वैल्यूज, कितना आ रहा है? 5450. क्या? 54 5450. वेरी गुड, 5450. ठीक है. अब ये क्या निकल के आया आकृति? एनडीपीएमपी. वेरी वेरी गुड. ये निकल के आया हमारा NDPMP. एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा मार्केट प्राइस निकल के आता है, बट हमें निकालना है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या होती है? NNP@FC. बताओ N से N पे जाने के लिए कुछ करेंगे क्या? नहीं. अच्छा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए? प्लस NFI. करेक्ट. प्लस NFI. ठीक है. अब NFI बताओ कितना दे रखा है, चेक करो. NFI -30. -30 है ना. चलो कितना आ गए? 5420. चलो MP से FC पे आओ. ठीक है, चलो जल्दी बताओ क्या करें. NIT माइनस करेंगे. वेरी गुड, -NIT. अब NIT दे रखा है क्या हमें? NIT देखो कितना दे रखा है, 300. 300. करेक्ट. कितना आ गए? 5120. ठीक है, चेक करो क्या टैली कर रहा है आंसर. हाँ लेकिन मैंने, हाँ बताओ कहाँ गलती करी. तो एक्चुअली मैंने गलती से NDPFC लिख दिया था. हाँ, अब इसको ठीक रखना है, ध्यान रखना. ठीक है, क्योंकि मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ आपका आंसर नहीं आ रहा बेटा. ठीक है, इसलिए मैंने आपसे पूछा ये. अब सारे आंसर आने चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. ठीक, आगे चले. एक सेकेंड रुको, जरा चेक करें क्वेश्चन. हाँ भाई, अब मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, बताओ भाई उसकी बात कर लेते हैं सीधा. बोलो भाई, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मेरे को, कुछ ही बच्चों ने सिर्फ करके भेजा और उनका आंसर सही भी था, गलत नहीं था, सही करा था उन्होंने सॉल्व. बोलो भाई, बाकियों ने क्यों नहीं करा? भैया मेरा तो 2700 आया था उसमें क्वेश्चन. अब देख लो जो लास्ट क्वेश्चन था, सब अपना जो ग्रुप है, जो मैंने ग्रुप के अंदर भेजा था, वो चेक कर ले, है ना. क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था हमें कैलकुलेट करना है, पहले लिख देता हूँ शॉर्ट में यहाँ पे, हमें कैलकुलेट करना है GDP@MP. क्या कैलकुलेट करना है? GDP@MP. और दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है हमें? कैलकुलेट फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कैलकुलेट करना है ना. सबसे पहले लगाओ इनकम मेथड. अब मैं इनकम मेथड की अगर बात करूँ तो इनकम मेथड में पहला आइटम होता है COE. चेक करो क्या COE दे रखा है, बताओ. COE दे रखा है 1500. वेरी वेरी गुड. चेक करते रहना यार, क्वेश्चन मैंने भेजा हुआ है. ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन लिखने बैठ गया तो मैं. उसके बाद मुझे बताओ ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है उसके आइटम्स बताओ. रेंट बताओ कितना है? 300. इंटरेस्ट 400. प्रॉफिट 400. प्रॉफिट 500. हाँ ठीक है. रॉयल्टी तो देनी रखी. मिक्स्ड इनकम है क्या? नहीं. ठीक है, चलो ऐड करो सारी वैल्यूज, कितना आ रहा है? 2700 आ रहा है. ये निकल के आया बेटा हमारा NDP@FC. कौन से मेथड से? इनकम मेथड से. NDP@FC ही आता निकल के, बट हमें क्या निकालना है? ऊपर देखो मैंने लिख रखा है GDP@MP निकालना है. करेक्ट है. अब N से G पे जाने के लिए हमें प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना प्लस डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन दे नहीं रखा. मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है लास्ट क्लास के अंदर, मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने. डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू होता क्या है? ग्रॉस GDCF माइनस NDCF. हाँ, वैसे नॉर्मली ग्रॉस माइनस नेट. करेक्ट है ना. अब चेक करो ग्रॉस में क्या वैल्यूज दे रखी है हमें. दे रखा है 700. एक सेकंड, इसमें दिख नहीं रहा मुझे, एक सेकंड रुक जाओ जरा.
हाँ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ध्यान रखना फिक्स दे रखा है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, कितना दे रखा है 700, ठीक। अब अगर ये फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है तो बताओ इसके अंदर एक चीज और ऐड करनी पड़ती है, बताओ छोटी सी बात क्या, लो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है ना, कितना 650, ठीक है। चलो जल्दी से निकालो, जल्दी कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बस समझने में, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 100। अब मैं इस 100 को कहाँ यूज करूंगा, इस 100 को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक, ये कितना आ जाएगा 2800, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो डीपी डीपी तो सेम है, सिर्फ एफसी से कहाँ जाना पड़ेगा एमपी, बताओ एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलो, क्या प्लस एन आई, वेरी वेरी गुड, प्लस एन आई टी, चेक करो एन आई टी दे रखा है क्या हमें, 250, सही से लिख दो उसको 250, ठीक है, बताओ भाई कितना आंसर आ गया, 3050, करेक्ट 30, ये 50 आ गया हमारा आंसर, और यही आंसर करेक्ट है बच्चों का, यही आंसर आ रहा था। इतनी बात समझ में आ गई, तो हमने ये निकाल दिया, अब सिर्फ हमारा क्या रह गया कि बेटा हमें फीफा चाहिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। अब मैंने आपको बोला था, फॉर्मूला भी बताया था कि बेटा एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, एनएफआईए का फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया है, दैट इज फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अब मुझे चेक करके बताओ क्या हमें क्वेश्चन के अंदर फीटा दे रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी है, चेक करके बताओ, जब तक चेक करो जब तक तो मैं लिख लूंगा 120, ठीक है। ये निकालना है फीफा, तो उसको मैं एक्स मान लेता हूँ ऐसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ मेरे को चाहिए एनएफआई है, क्या चाहिए एनएफआई, अगर एनएफआई आ जाता तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको एक हैक दिया था, मैंने बोला था भाई कि चेक करा करो क्वेश्चन में जाके कि किस चीज पे शक हो रहा है। तो जब हमने क्वेश्चन में गए तो क्वेश्चन में हमें एक चीज दिख रही है, कोई बताएगा क्या, करेक्ट, कि हमें ये जी एन पी एट एफ सी भी गिवेन है, इसको देने का पर्पस क्या है, जी एन पी एट एफ सी को देने का पर्पस, ये वैसे हमें दे रखा है 2800, ठीक, ये क्यों दिया हुआ है बेटे, ये इसलिए दिया हुआ है कि इसके थ्रू ही हम क्या निकालेंगे एनएफआई, ये जो दिख रहा है ये एनएफआई इसके थ्रू ही निकला है, कैसे, मैंने आपको बोला था जितनी वैल्यूज होती है सबको सेम रखो, जैसे जी है ठीक उसको सेम, पी को सेम और एफ सी को सेम, बस ये जो डी की जगह, ये एन की जगह यहाँ पे क्या कर दो, एन की जगह डी कर दो, समझ रहे मेरी बात, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, इससे हमारा एनएफआई निकल के आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे निकल के आएगा, अरे याद करो जब मैं आपसे बोलता था डोमेस्टिक में हम क्या प्लस करेंगे एनएफआई है ना, तो क्या निकल के आता था बताओ भाई, नेशनल निकल के आता था, निकल के आता था, नहीं आता था, है ना। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एनएफआई निकालना है, तो डोमेस्टिक को उधर ले जाओ, एनएफआई का फॉर्मूला क्या बनेगा, एनएफआई का फॉर्मूला बनेगा नेशनल माइनस डोमेस्टिक, तो मैं यही तो करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं नेशनल में से ए डोमेस्टिक माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सॉरी, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जीडीपी एट एफसी चाहिए, जीडीपी एट एफसी कहाँ से लेके आऊं, ऊपर निकाला तो है आपने जीडीपी एट एमपी, यहाँ से निकाल लो, इसके नीचे लिखो जीडीपी एट एमपी के नीचे जीडीपी एट एफसी, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी करना पड़ता है, जो अभी आपने ऐड करा, ठीक है, वो दोबारा से ही माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2800, लो 2800 आ गया, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, ये मेरा 2800 आ गया, दोनों को माइनस पे करने पे पता चला कि ये तो जीरो आ रहा है, यानी एन एफ आई ए जो निकल के आ रहा है बेटा वो जीरो निकल के आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे जाके वैल्यू प्लेस करी जीरो, ठीक है, उसको उधर लिया तो एक्स की वैल्यू मेरे को पता चल रहा है कितनी आ रही है 120। हाँ, यानी कहने का मतलब जो आपका फीफा निकल के आ रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल के आ रही है, वो कितना निकल के आ रहा है, दैट इज ये निकल के आ रहा है बेटा 120, ठीक है, समझ में आया या नहीं, जल्दी बोलो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करी होगी ना घर पे, अगर और अगर गलत चाय करा हुआ हो, गलत करा हुआ हो चाय, अगर करा हुआ था तो मैंने जो ये कराया है ये पक्का समझ में आया होगा,
अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा घर पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना, अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो मेरी गारंटी है ये आपको पार्शियली समझ में आया होगा, आधा अधूरा। बट वो बच्चा जिसने बैठ के प्रैक्टिस करी होगी, क्वेश्चन करा होगा, सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, उसको पता है कि उसको एक बारी में समझ में आ गया होगा। और बहुत से बच्चों ने तो मेरे को आंसर भी भेज दिया था सॉल्व करके। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास किसी की मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीधा स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन मेथड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास के अंदर सीधा मैं स्टार्ट कराऊंगा बेटा प्रोडक्शन मेथड। हेडिंग डाल लो, चाहे लिखो, लिखो प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड को और क्या बोल सकते हैं, लिखो आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड। और क्या बोल सकते हैं, लिखो वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, और नाम चाहिए, और नाम बताओ इसके? नहीं भैया काफी है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा ये स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और ये मेथड भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ प्रॉब्लम हो मेरे को मेरे से पूछ लिया करो, मैसेज कर दिया करो, कॉल कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, रुको मत, ठीक है ना, वेट मत करो। ठीक है, चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, हैव अ नाइस डे। आयुष का आंसर भी करेक्ट था, आर्यन का आंसर भी करेक्ट था, भूमिका का भी करेक्ट था, आयुष का पहले रॉन्ग था। नमस्ते नमस्ते, बाय।